नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला, आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट है और यह एक एनालिसिस वीडियो है। बहुत सारे बच्चों के इंक्वायरीज आ रही है कि सर सीयूटी पीजी का जो एग्जाम डेट है वो क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि एनटीए ने पीजी का डेट पहले से ही ऑफिशियली इस्टीमेट कर रखा था। बाद में देखा गया कि बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट एक तरह से बोला कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है और एनटीए या यूजीसी को इस पर विचार करना चाहिए और इस डेट को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका जो सेमेस्टर एग्जाम है या जो एनुअल एग्जाम है यूजी का जो एग्जाम वो दे रहे हैं अभी, वो क्लैश कर रहा है, वो एक साथ पढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें समस्या आ रही है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे एग्जाम है जो एक साथ पढ़ जा रहे हैं, तो इसके लिए कई सारे लोगों ने वीडियो बनाए बच्चों के सपोर्ट में। अभी मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं, क्योंकि अब ये जो डेट है नेचुरली आपका आगे बढ़ने वाला है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपका डेट पहले से कौन सा एस्टिमेटेड था। सीयूटी यूजी जो है, पीजी नहीं यूजी, वो अभी चल रहा है, और एनटीए का कहना था कि हम 10 दिन में पूरे शिफ्ट को, पूरे बच्चे को एग्जाम दिला लेंगे। लेकिन अभी यूजी का जो एग्जाम है वो खुद जो इनका पहले से प्री प्लान डेट था 10 दिन, उसमें नहीं हो पाएगा। वो अब इस मंथ के, नेक्स्ट मंथ के लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीक को भी क्रॉस करने वाला है, क्योंकि इनके कई सारे एग्जाम जो है वो कैंसिल हो रहा है सेंटर की वजह से या कुछ टेक्निकल इशूज की वजह से। जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो रहा है अब वो एग्जाम यूजी वाला वो जाएगा नेक्स्ट मंथ के कुछ दिनों में। तो ऐसे में जो पहले से प्री प्लान पीजी का डेट है वो ऑफकोर्स डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। अब मैं बता दूं कि आपका क्या एस्टिमेटेड डेट हो सकता है। पीजी का जो एग्जाम है उसका जो एडमिट कार्ड है वो फर्स्ट और सेकेंड वीक के आसपास, यानी लगभग ये चल रहा है मई, तो जून के 10 से 12 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ सकता था। अब वो एडमिट कार्ड हो सकता है कि उसी बीच में आए, लेकिन जो एग्जाम है वो लगभग मान के चलो मुझे 18 या 20 के बाद होने की उम्मीद है। यानी अब जो एग्जाम आपका लगभग 10-11 से शुरू होने वाला था वो जब भी होगा वो 10-12 दिन लेट हो सकता है, या यूं समझो कि 8-10 दिन, मतलब 21 या 22 से आपका स्टार्ट होने की उम्मीद है, चूंकि इसी बीच वो नेट का जो डेट है वो भी देने वाले हैं जो आपके पीजी बच्चे देते हैं। तो ओवरऑल जो सबकी एजेंसी है वो एनटीए ही है और सबका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होता है, यानी सीबीटी मोड में ही होता है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से टेक्निकल जो एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यही है कि एनटीए चाह कर भी आपका फर्स्ट वीक आप जून में यानी सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं करा पाएगी। ठीक है, हाँ, वो पहले से आपका एडमिट कार्ड के लिए डेट दे सकते हैं, सिटी एस्टिमेशन डेट दे सकते हैं पहले से ही कि हाँ इस डेट को इस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन फाइनली जो एग्जाम होगा वो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका अब जाएगा लगभग 20 जून के बाद। ठीक है, तो ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ध्यान दीजिएगा। ये आपका बहुत ही एक तरह से क्रिटिकल या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप रिविजन करें। साथ ही साथ एक ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जहां पे आपका A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाए, समझ रहे हो, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो, चाहे उसका प्रोसेस हो, कट ऑफ हो, यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल कैसे फिलअप होता है, कैसे आपको वहां पे एडमिशन लेना है, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, ये तमाम बातें आपको जाननी पड़ेंगी। तो ऐसे में आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पे आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगा और हर एक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे आपको कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें जिससे कि उनको भी सही चैनल पता चले और सही सटीक इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके। तो मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर।